हेलो स्टूडेंट्स, ममता कपूर हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस लेसन को पढ़ रहे हैं वो है लेसन नंबर 1, भारत महिमा, जिसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और हम लोगों ने पहले से 4 दोहे करके रखे हैं, उनके शब्दार्थ, उनके भावार्थ किए, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर हम लोगों ने सब कुछ देखा। और आप लोग इसी तरह ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को देखिए, सुनिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार सुनिए और समझिए। पहले शब्द को अच्छी तरह से समझिए, फिर शब्दों के आधार पर भावार्थ बनाइए। आज हम लोग करने वाले हैं दोहा नंबर 5 और दोहा नंबर 6। तो आइए पहले दोहा नंबर 5 को देखें। आप देख सकते हैं मैंने पहले से उनको अंडरलाइन करके रखा है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा नंबर 5 है, कौन सा नंबर 6 है। तो हम लोग पहले दोहा नंबर 5 को करेंगे। पहले कुछ शब्द जिनके अर्थ बताने हैं मुझे। आप देख सकते हैं कि एक शब्द है गौरी। आप ध्यान से देखेंगे, यह एक हरा अवतरण चिन्ह में लिया गया है। एक हरा अवतरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल इन्वर्टेड कोमा उसी शब्द को लिया जाता है जो कि पूरी वाक्य में किसी खास शब्द को दिखाता है या दर्शाता है, उसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिया जाता है, एक हरा अवतरण चिन्ह में लिया जाता है। तो इस शब्द को इस वाक्य में ऐसे लेने का मतलब यह है कि यहाँ पे गौरी, जो कि मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी और फिर एक और नाम है, यहाँ पे हम देखेंगे एक नाम है स्वर्ण भूमि, जिसका अर्थ है जावा या बर्मा। बर्मा जगह का नाम है, ध्यान दीजिएगा, जावा, बर्मा या फिर म्यांमार, इसके बहुत सारे नाम हैं। यह एक देश का नाम है, याद रखिएगा। स्वर्ण भूमि, ध्यान से इस बात को आप देखिए, विद्यार्थी इसी में थोड़ा गलती कर जाते हैं। स्वर्ण भूमि में यहाँ पे भारत का नाम लिख देते हैं, स्वर्ण भूमि का अर्थ यहाँ पे जावा है, ये चीज़ याद रखिए, स्वर्ण भूमि का अर्थ जावा है। और एक नाम है सीहल, सीहल का अर्थ, सॉरी, सीहल का अर्थ श्रीलंका। इन सभी शब्दों को याद रखिए ठीक से कि कहाँ पे कौन सा नाम दिया गया है। गौरी का अर्थ मोहम्मद गौरी, स्वर्ण भूमि जावा या बर्मा, सीहल श्रीलंका। यहाँ पे दो और शब्द को मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी। एक शब्द है रत्न, रत्न का अर्थ है त्रिरत्न, त्रिरत्न जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। एक और नाम है शील, शील का अर्थ है यहाँ पर पंचशील। ये दोनों नाम जो कि इस दोहे में लिए गए हैं, रत्न और पंचशील, त्रिरत्न और पंचशील, ये बौद्ध धर्म के ही आधार पर हैं, उन्हीं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। और त्रिरत्न के अंतर्गत ये 3 चीज आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध,
बुद्ध, धम्म, धम्म और संघ। त्रिरत्न के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिए। त्रिरत्न जिसका शॉर्ट नेम छोटा नाम रत्न दिया गया है, जो कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही आता है। अगला है शील, जिसका अर्थ मैंने अभी अभी आपको बताया। शील उसका पूरा नाम है पंचशील। पंचशील इसके अंतर्गत पांच नाम आते हैं। पहला अहिंसा, अहिंसा अस्ते अपरिग्रह अपरिग्रह चौथा सत्य, पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ध्यान देंगे, ह में हलंत लगा हुआ है। तो यह पंचशील में पांच नाम हैं, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ध्यान दीजिए कि पांच जो है हमारे नाम वो पंचशील के अंतर्गत आते हैं, इनको पहले मिटा दें। तो ये मैंने आपको सभी शब्दों के अर्थ बताए, तो देखते हैं इसका भावार्थ क्या होता है। पहले इस कविता को पढ़ते हैं। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की ही सीहल को भी सृष्टि। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सीहल को भी सृष्टि। गौरी को दिया दया का दान, यानी कि ये जो हमारा देश है, हमने गौरी को, मोहम्मद गौरी को दया का दान दिया, जो कि पृथ्वीराज चौहान का कट्टर दुश्मन था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे दया का दान दिया और हमारा देश भारत ही है, जहां चीन को स्वर्ण भूमि यानी कि जावा को और सीहल यानी कि श्रीलंका को, इन सभी तीनों देशों को यहाँ पे धर्म की दृष्टि मिली, बौद्ध धर्म का ज्ञान मिला। और यहीं से हमारे जो राजा थे, हमारे सम्राट अशोक, उन्हीं के धर्म प्रचारक देश विदेश घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराया, पंचशील त्रिरत्न जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनको इसके बारे में ज्ञान दिया। यही हमारा देश है। तो इस पंक्तियों का भावार्थ हम लिखेंगे कुछ इस तरह कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारा देश भारत, जो कि दान के नाम में सबसे आगे है, इसी देश में एक से एक दानवीर हुए हैं, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान,
इत्यादि के नाम आते हैं, जिन्होंने मुक्त हृदय से, मुक्त हाथों से दया का, संपत्ति का, इत्यादि का दान किया। और चीन स्वर्ण भूमि यानी कि जावा, और शीहल यानी कि श्रीलंका को भी इसी धरती से, भारत से ही धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसी देश से उनको अपना जो भी है धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमारा ऐसा भारत देश है, इस पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है, जानकारी दी गई है। हमारा देश भारत जो कि सर्वगुण के साथ भरा हुआ है, ये इस कविता के माध्यम से बताया गया है, इस दोहे के माध्यम से बताया गया है। आज बस इसी वीडियो के साथ अब मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ इसी लाइन के साथ, और आगे हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही, चलिए बाय।